अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करने हैं उसमें है ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। अच्छा, इसमें फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस ये डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है मटेरियल्स की अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। हमने पीछे डिस्कस की थी कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट्स की टाइप्स, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को हमने डिस्कस किया था। आज हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट को डिस्कस करना है और फर्दर इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करना है। इससे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड गार्ड सेल को। अच्छा, ऑस्मोसिस के प्रोसेस को भी हमने पीछे डिस्कस कर लिया था कि ऑस्मोसिस का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें वाटर के मालिक्यूल्स मूव करते हैं और वाटर के मालिक्यूल्स किस तरह से मूव करते हैं, लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन से हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ। यानी जहाँ पे वाटर की कंसनट्रेशन, वाटर की एबिलिटी, वाटर की पावर ज़्यादा होती है वहाँ से मूव करते हैं उस साइड पे जहाँ पे वाटर की पावर कम होती है। और वाटर की पावर कहाँ पे कम होती है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो हमने ये देखा था पीछे कि वाटर मूव करता है अगर ये दो कंटेनर हैं उनके दरमियान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें ये कंटेनर वन है, कंटेनर टू है, और इन दोनों के अंदर अगर मैं कहता हूँ टू वाले के अंदर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे वाटर की पावर क्या है, कम है, वाटर का पोटेंशियल कम है, तो वाटर पहले वाले कंटेनर से दूसरे वाले कंटेनर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यह हमने ऑस्मोसिस के अंदर देखा था। ऑस्मोसिस कैन बी डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ वाटर फ्राम लोअर सोल्यूट कंसनट्रेशन टू हायर सोल्यूट कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा, तो अभी इस ऑस्मोसिस का गार्ड सेल के साथ क्या लिंक होता है? गार्ड सेल आपको पता है प्लांट के अंदर अगर हम उनके लीव्स को देखें तो उनकी लीव्स के अंदर, लीव्स के जो सेल्स होते हैं सबसे आउटर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मल सेल्स, और उन एपिडर्मल सेल्स के अंदर, उस एपिडर्मल लेयर के अंदर कुछ और सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। और इन गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, इनके दरमियान एक पोर प्रेजेंट होता है, इन गार्ड सेल्स के दरमियान एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और उस ओपनिंग को हम कहते हैं स्टोमेटा। उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है। तो अगर ये लीफ है तो इस लीफ को ऐसे हम इसका क्रॉस सेक्शन निकालें तो इसकी ये सबसे आउटर एपिडर्मस, ठीक है, एपिडर्मस, इसके बाद अंदर कुछ लेयर्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर भी नीचे भी क्या होती है, एपिडर्मस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो एपिडर्मल लेयर होती है, नीचे वाली एपिडर्मल लेयर होती है, इन एपिडर्मल लेयर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, गार्ड सेल्स, और उन गार्ड सेल्स की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के जरिए क्या होता है, बेसिकली इस स्टोमेटा के लिए गैशियस, इस स्टोमेटा के जरिए गैशियस एक्सचेंज होता है और वाटर इवेपोरेट करता है। अच्छा, तो ये तो इस स्टोमेटा के फंक्शन हो गए। अब कब इस स्टोमेटा के जरिए गैशियस एक्सचेंजमेंट होगा और कब यहाँ से वाटर एवोपरेट करेगा, जब ये स्टोमेटा ओपन होता है, और नॉर्मली ये कब ओपन होता है, दिन के टाइम पे, रात के टाइम पे ये स्टोमेटा बंद हो जाता है। और इस स्टोमेटा की ओपनिंग में ऑस्मोसिस का बड़ा रोल होता है। कैसे रोल होता है वो देख लेते हैं हम। अच्छा देखिए, स्टोमेटा बेसिकली इट इज़ ओपनिंग सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। हमने पीछे देखा गार्ड सेल्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल्स आर मेकिंग ग्लूकोज, सो आर हाइपरटोनिक। अब पीछे जो हमने डायग्राम बनाई थी उसके अंदर देखें, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं एपिडर्मल लेयर के अंदर, सिर्फ जो गार्ड सेल्स होते हैं वही होते हैं फोटोसिंथेटिक, बाकी जो फोटोसिंथेटिक होते हैं वो अंदर वाले सेल्स होते हैं जिन्हें हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं, अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक होते हैं। एपिडर्मल लेयर के अंदर सिर्फ गार्ड सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब ग्लूकोज बना सकते हैं। दिन के टाइम लाइट पड़ रही होती है तो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूकोज बनता रहता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज दिन के टाइम बनता है। इसके नतीजे में क्या होता है कि इनके अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है, मतलब यहाँ पर सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। और सोल्यूट क्या है हमारे पास, ग्लूकोज, यानी यहाँ पे सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है दिन के टाइम पे, यानी इनर इन्वायरमेंट इनका, गार्ड सेल्स का इनर इन्वायरमेंट ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इनके जो सराउंडिंग के जो सेल्स होते हैं, इनका जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट होता है वो ज़्यादा क्या होता है, हाइपोटोनिक, मतलब वहाँ पर वाटर की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो फिर इनके सराउंडिंग में जो पानी प्रेजेंट होता है
वो मूव करता है इन गार्ड सेल्स के अंदर। सुबह के टाइम पानी इन गार्ड सेल्स के अंदर मूव करता है क्योंकि गार्ड सेल्स ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाते हैं, ग्लूकोज इनके अंदर बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो जब ये हाइपरटोनिक होते हैं तो वाटर इनके अंदर मूव करते हैं तो ये स्वेल हो जाते हैं। अब जैसे ही ये स्वेल होंगे तो इनके दरमियान की जो ओपनिंग है, पहले ये इस तरह से फ्लैसिड थे, जैसे ही यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा इनके अंदर पानी आएगा तो ये इस तरह से स्वेल हो जाते हैं, और जैसे ही ये स्वेल होते हैं इनकी जो ओपनिंग होती है वो ओपन हो जाती है। ठीक है, तो सुबह के टाइम या दिन के टाइम इस वजह से इनकी जो ओपनिंग होती है वो ओपन होती है क्योंकि इन गार्ड सेल्स के अंदर पानी आ जाता है और ये टर्जिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी ओपनिंग वाजिया हो जाती है, जिससे फिर गैसेस एक्सचेंज या वाटर की क्या होती है, एवोपरेशन होती है। लेकिन रात के टाइम क्या होता है, वाटर की कंसंट्रेशन इनके अंदर, सोल्यूट की कंसंट्रेशन यानी ग्लूकोज जो बना होता है वो यूज़ हो जाता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन इनके अंदर कम होती है एज़ कम्पेयर टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट, तो वाटर यहाँ से बाहर मूव करता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम होती है शाम के टाइम या रात के टाइम, तो वाटर इनकी बॉडी से बाहर मूव करता है और ये क्या हो जाते हैं, फ्लैसिड हो जाते हैं। ठीक है, इनकी टर्जिडिटी ख़त्म हो जाती है, जैसे इनकी टर्जिडिटी ख़त्म होती है तो इनकी जो ओपनिंग होती है स्टोमेटा होता है वो क्या हो जाता है, क्लोज, तो रात को इस वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो इस तरह से ऑस्मोसिस, और यहाँ पे आपको पता है जो पानी मूव करता है आउटर एनवायरनमेंट से गार्ड सेल्स के अंदर, ये गार्ड सेल्स से बाहर वो किसके ज़रिए मूव करता है, ऑस्मोसिस के ज़रिए ही मूव करता है, ऑस्मोसिस के फिनोमेना को फॉलो करते हुए। वाटर मूव फ्रॉम अदर सेल्स टू गार्ड सेल्स। ठीक है, सुबह के टाइम जब वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं ज़्यादा ग्लूकोज बनाने की वजह से, तो वाटर मूव करता है फ्रॉम अदर सेल्स टू गार्ड सेल्स, दूसरे सेल से गार्ड सेल्स में मूव करता है, तो फिर क्या होता है, वाटर इंटर्स एंड दे स्वेल, जब इनके अंदर वाटर आता है तो ये स्वेल हो जाते हैं, जिसके नतीजे में इन इन दिस फॉर्म दे बिकम रिजिड, अ पोर इज़ क्रिएटेड बिटवीन दैम, उनके दरमियान एक पोर आ जाता है। ठीक है, यानी जो स्टोमेटा होती है, ओपनिंग होती है, वो वाजिया हो जाती है। ठीक है, सुबह के टाइम या दिन के टाइम। इसके बाद एट नाइट ग्लूकोज, या फिर हम इसे सोल्यूट कंसनट्रेशन भी कह सकते हैं, ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल्स, नाइट के टाइम पे ग्लूकोज कंसनट्रेशन फॉल होती है, कम होती है। इसके बाद वाटर, यहाँ पे ये वाटर है, वाटर लीव्स देम एंड दे बिकम फ्लैसिड, और रात के टाइम पानी इन गार्ड सेल से बाहर जाता है और ये फ्लैसिड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ओपनिंग होती है वो क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। गार्ड सेल्स फ्लैसिड एंड ओपनिंग इज़ क्लोज, गार्ड सेल मुरझा जाते हैं। ठीक है, वो अपनी टर्जिडिटी लॉस कर देते हैं। ठीक है, जिस वजह से ओपनिंग जो है स्टोमेटा जो है वो क्लोज हो जाती है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस एंड गॉड सेल।